नमस्ते, मैं हूँ नीता शेट्टी और दिवाली की आपको बहुत 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 सारी शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली। नीता जी, आपकी मूवी आ रही है सांसे, किस तरह किरदार था? मैं इसमें तानिया सबरवाल का किरदार निभा रही हूँ, जो मॉरिशस की यंग बिजनेस वुमन है। मॉरिशस के टॉप बेस्ट क्लब ये ओन करती है। शिरीन इसके क्लब में सिंगर है और इन दोनों की दोस्ती होती है और बहुत अच्छी दोस्ती है। दोनों साथ में रहते हैं और तानिया को पता है कि शिरीन के ज़िंदगी में क्या चल रहा है, पर तानिया कुछ कर नहीं पाती, उसकी मदद नहीं कर पाती, लेकिन वो उसके साथ है। एक जो दोस्त आपकी ज़िंदगी में होता है, जिसे पता है आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, कुछ कर नहीं सकते, पर वो हमेशा रहता है एज अ सपोर्ट सिस्टम। तो मैं एक अच्छी दोस्त का किरदार इसमें निभा रही हूँ। फिल्म से आप बॉलीवुड में एंट्री कर रहे हैं, कितना एक्साइटमेंट है आपको? बहुत एक्साइटेड हूँ और साथ में बहुत नर्वस भी हूँ, बट आई एम जस्ट होपिंग कि एवरीथिंग गोज वेल एंड इट्स गोना बी बेस्ट फॉर मी। आपके साथ में रजनीश जी हैं, काफ़ी मजे आर्टिस्ट हैं, काफ़ी ज़्यादा पुराने तो नहीं कह सकते, बट नए भी नहीं इतने। हाँ, कैसे केमिस्ट्री है? बहुत अच्छा है। इनफैक्ट रजनीश के साथ काम करके ऐसे बिल्कुल नहीं लगा कि उन्होंने इतनी सारी फिल्म की है। वो इतने ग्राउंडेड है, डाउन टू अर्थ है, और जब हम सीन्स साथ में कर रहे थे तो एक ऑलरेडी एक कम्फर्ट लेवल था, तो बड़ा मज़ा आया उनके साथ काम करने में। फिल्म से आप डेब्यू कर रहे हैं, दूसरी लड़की वो भी इसकी शुरुआत कर रही है जी, तो क्या नए कलाकार आजकल इंडस्ट्री में हैं, फिल्में काफ़ी अच्छी आती हैं, क्या कहना चाहते हैं, नए आर्टिस्ट को क्लास मिलता है उसको? क्यों नहीं यार, अगर अच्छे एक्टर्स हैं, टैलेंट है और अगर अच्छी फिल्म कर रहे हैं, तो आई थिंक इट्स अ गुड वे, वाई नॉट, यू नो। तो भगवान को थैंक्स बोलना चाहिए कि हमें ये अपॉर्चुनिटी मिली है। थैंक यू। थैंक यू।